तो प्रॉब्लम में यहाँ पे बोल रखा है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एम डिफाइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, जहाँ पर आगे भी बोल रखा है लेट फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, यहाँ पर आई ऑफ एन अपन को ये इंटीग्रल दे रखा है 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, एंड फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहाँ पर अपन को इस समेशन समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी आई ऑफ एन, यहाँ पर अपन को के मल्टीप्लाई बाय रूट टी प्लस एम के इक्वल दे रखा है, जहाँ पर के एंड एम इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। सो अपन को 63 मल्टीप्लाई बाय के माइनस एम की वैल्यू यहाँ पर अपन को बतानी है। सो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो एक्स की वैल्यू 0 to 1/2 के बीच में अगर अपन चेक करें तो इनमें से कौन सा वाला छोटा होगा, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज बड़ी होगी एंड ये वाली चीज यहाँ पे छोटी होगी। सो इस केस में जो अपना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय एन का फैक्टोरियल, और जब एक्स की वैल्यू 0.5 to 1 के बीच में होगी तो उस केस में यहाँ पर 1 - x की पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, इस तरीके का अपना यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो। सो अपन को 0 to 1 इंटीग्रल करना है, सो आई ऑफ एन यहाँ पर अपन को डिफाइन कर रखा है 0 to 1 दिस इंटीग्रल, सो 0 to 1/2 तक अपन इंटीग्रल करेंगे एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल का, प्लस यहाँ पर 0.5 to 1 अपन इंटीग्रल करेंगे इस फंक्शन का 1 - x की पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल डी एक्स। सो यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो बेसिकली इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल एंड ये एन प्लस वन आ जाएगा, और इसकी लिमिट 0 to 1/2 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर अगर चेक करोगे तो 1 - x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय √n फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा एंड ये n+1 आ जाएगा एंड यहाँ पे एक माइनस का साइन हो रहेगा एंड इस तरीके से, और ये अपनी लिमिट है वो यहाँ पर 0.5 to 1 हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर अपन चेक करें सो बेसिकली यहाँ पर जब अपन हाफ पुट करेंगे सो ये 0.5 की पावर यहाँ पर n+1 बनेगा एंड नीचे यहाँ पर फैक्टोरियल एन को n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल ऑफ n+1 बन जाएगा एंड प्लस यहाँ पर 0 पे तो 0 आ ही जाएगा, और जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0 आ ही जाएगा एंड यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और माइनस के साइन के साथ यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो एक इंटीग्रल को ओपन करते हुए जो माइनस साइन आएगा मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिमिट को पुट करने के बाद 1 लिमिट को पुट करने के बाद तो 0 आ रहा है, और फिर इस लिमिट को पुट करने से पहले माइनस जो साइन आता है वो लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हाफ लिखूंगा मैं, 0.5 की पावर ये n+1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n+1 हो जाएगा, और ये एक अंदर एक माइनस का साइन और है उसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सो बेसिकली अगर अपन चेक करेंगे तो ये अपना एफ ओफ एक्स आ रहा है, सो ये बेसिकली सेम चीज है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि एफ ओफ एक्स अपना हो जाएगा 2 times 0.5 की पावर यहाँ पर अपने पास n+1 हो गई और डिवाइड में फैक्टोरियल ऑफ n+1 हो गया, यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 times इसी चीज का आ जाएगा, 2 times of this quantity, सो एफ ऑफ एक्स अपना ये हो गया। अब उसके बाद अपन को बोल रखा है कि फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपन को ये समेशन निकालना है, समेशन ऑफ आई एन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, तो फॉर एक्स 0 to 1 अपन ने इंटीग्रल कैलकुलेट किया जो आई ऑफ एन के इक्वल था, अब अपन को एन को 1 to इन्फिनिटी वेरी कराना है और ये समेशन निकालना है। सो बेसिकली अगर अपन चेक करें तो यहाँ पर सॉरी ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, बेसिकली आई ऑफ एन के इक्वल है ये, यहाँ पर ये आई ऑफ एन के इक्वल है, ये मैंने सारी जगह एफ ऑफ एक्स लिख दिया, तो ये आई ऑफ एन है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो अपन को समेशन करना है एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी आई ऑफ एन, सो यहाँ पर ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2 times, तो 2 तो यहाँ पे मैं बाहर ले ही लूंगा एंड यहाँ पर मेरे पास जब एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आगे 1/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट जाएगा ये। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 1 + 1/2 को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सो 1 + 1/2 को मैंने ऐड कर दिया, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, ऐड किया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सो इस तरीके से। और तुम्हें पता है कि e^x को 1 + x + x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल + x³ / 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं, सो यहाँ पर बेसिकली वही बन रहा है। सो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि ये √e बन रहा है, यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू 1/2 पुट कर दोगे तो ये एक्सपेंशन बन जाएगा एंड माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी जो कि 3/2 है वो आ जाएगा यहाँ पर, सो बेसिकली ये 2√e - 3 आ जाएगा, सो बेसिकली 2 times √e - 3 आ जाएगा यहाँ पर, 2 times √e - 3। सो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो इसको अपन को इससे कंपेयर करना था, सो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एंड m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे -3 आ जाएगी, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ k - m की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 5 आ जाएगी,
और उसको तुम्हें 63 से मल्टीप्लाई करना है, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 315, तो 315 अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।